हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग जिन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनमें सबसे पहला टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म और दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम सिलेबस वाइज बात करेंगे तो इसी तरह से सिलेबस में भी इन दोनों टॉपिक्स को लिखा गया है। हम लोग ये सिलेबस इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा टॉपिक हमारा कवर हुआ है, कौन सा हमारा अभी रह गया है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हिमाचल में आपको मेंस में ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े, सारा जो सिलेबस है और हैंडआउट्स हैं वो आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड किए जाएँ, क्योंकि हिमाचल में हर एक टॉपिक को कवर करना, जस्टिफाई करना हिमाचल जीके के स्पेशली बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक सर्टेन बुक नहीं है जहाँ से आप लोग सारे के सारे टॉपिक्स कर सकते हैं। हमें इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई होना पड़ता है, मल्टीपल बुक्स को फॉलो करना पड़ता है। यही कारण है कि हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपका एफर्ट जो है वो एग्जाम के लिए कैसे बचाया जाए। अब जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक प्रीमाइस या बेसिक पॉलिटिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हुई वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोगों को एक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ रीजनलिज्म, कि रीजनलिज्म का मतलब क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ तो रीजनलिज्म का मतलब क्या है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया या एक ऐसा रीजन जहां पे एक इंडिविजुअल दूसरे से या बाकी लोगों से या सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, कनेक्टेड महसूस करते हैं, उन सबको लगता है कि वो एक ही हैं। अब एक ही हैं कैसे लगेगा, जब सबका एक ही जैसा कल्चर होगा, जब सबकी एक ही जैसी भाषा होगी, एक ही जैसा वेशभूषा होगी, एक ही जैसा खाना पीना होगा, मोर ऑर लेस हो सकता है एक ही तरह के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स भी वो लोग जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हों। तो रीजनलिज्म एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसी फीलिंग है जहां पे एक इंडिविजुअल दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करता है। अभी जो रीजनलिज्म शब्द है इसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने वर्ल्ड लेवल के ऊपर यूज करना है तो जो इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उसको एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट रीजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे या हिस्टोरिकली हम सारे के सारे लोग जो थे वो कनेक्टेड थे और कहीं ना कहीं हमारा कल्चर भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलता है। इवन दो हमारे यहां पे धर्म अलग है लेकिन कल्चर, जहां पे खाना पीना, भाषा, वो काफी हद तक जो है वो आज भी हमें कॉमन देखने को मिलती है। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बात करोगे, पंजाब एरियाज की और जो पाकिस्तान पंजाब वाला एरिया है उनकी बात करोगे तो मोर ऑर लेस आपको काफ़ी सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। उसी तरह से अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं तो इंडिया की मैं बात करूंगा तो हमारे यहाँ पे भी जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे और जो साउथ इंडियंस, जिनको हम लोग द्रविड़ा पीपल कह सकते हैं, जो द्रविड़न भाषाएँ बोला करते थे या बोलते हैं स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे तेलुगु है, तमिल है, क्लियर, तो इनके बीच में भी हमें रीजनल डिवाइड देखने को मिला। इवन दो हम लोग देश तो एक ही थे, कंट्री तो एक ही हैं, क्लियर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो द्रविड़ जो हैं या नीचे वाले लोग जो है, साउथ वाले जो है, वो उनके मन में हिंदी स्पीकिंग लोगों के प्रति कोई बहुत अच्छी या पॉजिटिव भावना नहीं थी, एंड वाइस वर्सा ऊपर वालों के मन में भी ऐसा ही था। ये क्यों था, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि इनका जो कल्चर है वो ज़्यादा सुप्रीम है और जहां पे एक इंसान, एक हिंदी बोलने वाला लोग दूसरे राज्य के या नॉर्थ इंडिया में एक हिंदी बोलने वाला लोग दूसरे हिंदी बोलने वाले लोग के साथ कनेक्टेड फील करता था रेदर देन वो साउथ इंडियंस के साथ फील करे। उसी तरह से साउथ इंडिया में जो इंसान है या इंडिविजुअल वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करता था क्योंकि उनका सेम कल्चर था, कॉमन कल्चर था, कॉमन लैंग्वेजेस जो हैं वो मोर ऑर लेस वो बोला करते हैं, क्लियर। तो यही कारण है इन दोनों रीजन्स में भी हम लोगों ने काफी इशू देखा। तो यहां पे ये और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ अच्छा इनका जो है वो मिक्सअप नहीं हो पा रहा था इनिशियल स्टेजेस पे जब हम लोग आजाद हुए, तो उसका जो कहीं ना कहीं रीजन था वो क्या था, रीजनलिज्म, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि उन्हीं को ही सब कुछ मिलना चाहिए, वो ज्यादा डिजर्विंग है, दूसरे को नहीं मिलेगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो रीजनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो रीजनलिज्म के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है रीजनलिज्म का एंड नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि लोग एक दूसरे के साथ, क्योंकि कॉमननेस उनको फील हो रही है, एक दूसरे के लिए परेशानी भी महसूस कर सकते हैं, तो वो हमेशा चाहते हैं कि एक सारे के सारे लोग मिलके ग्रो करें, तो ये एक पॉजिटिव रहते हैं जहाँ पे कॉमन वेलफेयर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसा है कि आप अपने एरिया की ग्रोथ तो चाहते हो लेकिन आप दूसरे एरिया की ग्रोथ नहीं चाहते हो, दूसरे रीजन की ग्रोथ नहीं चाहते हो, जिसके कारण अननेसेसरली टसल्स होती हैं आपके या किसी भी एक टेरिटरी में या किसी भी एक देश के अंदर एक रीजन की दूसरे रीजन के साथ। तो रीजनलिज्म जो है वो देश की अखंडता के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ नहीं है, लेकिन इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे जो नीचे वाले लोग और ऊपर वाले लोग थे उन्होंने एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना शुरू कर दिया है और आज हम लोग एक दूसरे को रिलेट करते हैं,
विद आर नेशन दैट इज इंडिया। तो कहीं ना कहीं आजकल जो सेंस ऑफ या फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है उसने फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म को सुपरसीड कर दिया है। तो ऐसा रहता है कि रीजनलिज्म की भावना रीजनलिज्म और नेशनलिज्म में, इवन दो नेशन भी कल्चरल कंसेप्ट है, लेकिन इंडिया जहाँ पे मल्टीपल कल्चर्स हैं, मल्टीपल रीजन्स हैं, अगर उनको इंटीग्रेट करके रखना है तो वहाँ पे हमें देश या जो वहाँ पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जैसा कि हमारे देश में कर रही है। तो आई होप आप लोगों को जो मीनिंग ऑफ रीजनलिज्म है वो समझ आ गया। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ, देखो हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। 1966 में जो हिमाचल के पहाड़ी एरियाज थे जो पंजाब के अंदर थे, उन्होंने कहा कि हमें मर्ज करो हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहा, वो क्यों कहा? क्योंकि वो बिलोंगिंगनेस उनकी हिमाचल प्रदेश के साथ ज़्यादा थी, क्योंकि वो पंजाब वाले एरिया के लोग थे, वो हिली एरियाज थे, वो पहाड़ी लोग थे, तो उनको लगता था कि यार हमें भी पहाड़ियों के साथ मर्ज किया जाए 1966 में। ऐसा नहीं है कि हमें प्लेन एरियाज के साथ रखा जाए। तो यहाँ पे ये जो फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म है, यानी कि पहाड़ी कॉमननेस है, इसके कारण हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ और कांगड़ा और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या बाकी एरियाज जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर इंटीग्रेट हुए। कहानी समझ आया? तो ये ज्योग्राफिकल रीजन यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हम सब की एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या आप खुद सोचिए जब आप अपने प्रदेश में कहीं बाहर जाते हो, अपने देश में या बाहर फॉरेन जाते हो, तो आप लोगों को जब भी हिमाचल से कोई इंसान मिलता है तो आप उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। क्यों? क्योंकि फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, सेंस ऑफ कॉमननेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्लियर? तो इसी तरह से यही रीजनलिज्म की भावना है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना। बट प्रॉब्लम क्या हुई? जैसे ही हिमाचल प्रदेश राज्य बना, वैसे ही जो न्यू एरियाज थे और ओल्ड एरियाज थे उनके बीच में भी टसल होनी शुरू होगी। और ये जो टसल थी ये मोर और लेस पॉलिटिकल टसल ज़्यादा थी। लोग जो है वो एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा इशू नहीं थे। लेकिन पॉलिटिशियंस ने जो है वो इस न्यू और ओल्ड हिमाचल के बीच का जो गैप था उसको थोड़ा सा वाइड किया, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में आगे दो छोटे छोटे रीजन्स बन गए, जिनको हम लोग जो है वो सब रीजन का नाम देते हैं। तो सब रीजन का मतलब सिंपल सा है कि अब शिमला और शिमला के आसपास या अपर एरियाज के जो लोग हैं, जब या अपर एरिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, जब वो अपर एरिया को ज़्यादा तवज्जो देंगे, इसका मतलब है कि वो एक रीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ न्यू हिमाचल या लोअर हिमाचल। उसी तरह से जब लोअर हिमाचल के पॉलिटिशियंस के पास पावर आ रही है, वो लोअर हिमाचल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अपर हिमाचल। तो यहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म है, इसकी शुरुआत, इसकी बिगनिंग जो है उसकी हमें हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर? तो कहानी समझ आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब रीजनलिज्म। अब अगर हम बात करें, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था, कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम रीजन वाइज हिमाचल प्रदेश को डिवाइड करें, जहाँ पे हमें थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलती है, तो रीजन वाइज हिमाचल दो एरियाज में डिवाइड हो सकता है। एक ओल्ड एरियाज यानी कि ओल्ड हिमाचल। ओल्ड हिमाचल वो है जो 1966 से पहले हिमाचल प्रदेश हुआ करता था। क्लियर? जिसमें किन्नौर है, जिसमें बिलासपुर है, जिसमें शिमला हिल स्टेट्स हैं, जिसमें सोलन है, जिसमें सिरमौर है, ये सारे के सारे, मंडी है, ये सारे के सारे जो वो ओल्ड हिमाचल का एरिया माना जाएगा। और न्यू हिमाचल वो एरिया है जो आफ्टर 1966 हिमाचल प्रदेश के अंदर इंटीग्रेट हुआ, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वो आपकी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? तो ये जो ओल्ड एंड न्यू हिमाचल का रीजनल डिवाइड है, ये आज भी हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म है, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, चाहे मानो या ना मानो, ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण ये फीलिंग ऑफ सब रीजनलिज्म डेवलप हुई होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसी फीलिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सब रीजनलिज्म की भावना है ये डेवलप क्यों हुई। ये सब रीजनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, और ध्यान रखना यही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि राजनीतिज्ञों ने, क्योंकि जो ये न्यू हिमाचल वाले लोग आए थे, इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसा पंजाब हिल एरियाज में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, या जब वो पंजाब का पार्ट थे जब उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, कहीं उसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ओल्ड हिमाचल वाले उनके साथ ना करना शुरू कर दे। तो न्यू हिमाचल वाले लोगों के अंदर, या स्पेशली जो पॉलिटिशियंस थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ थी, और यही इनसिक्योरिटीज़ जो है वो बाद में कारण बना इन दोनों रीजन्स या हिमाचल के अंदर ही दो अलग अलग रीजन्स की डेवलपमेंट का। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल फैक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक अफेक्टिंग फैक्टर थे, जिसके कारण हमें सब रीजनलिज्म की डेवलपमेंट होती हुई हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिली।
उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओल्ड हिमाचल या जिसको मैं अपर हिमाचल भी बोल सकता हूँ मेनली, और जो न्यू हिमाचल या मेनली जो हमारा लोअर हिमाचल है उसके बीच में इकोनॉमिक लेवल के ऊपर भी इतने डिफरेंसेज हैं कि ये दोनों अलग हैं। तीसरा हमारा आ जाएगा कि सोशल लेवल के ऊपर या कल्चरल लेवल के ऊपर क्या हमें इन दोनों एरियाज़ के बीच में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इन तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर हम लोग एसेस करेंगे कि क्यों हिमाचल प्रदेश के अंदर सब रीजनलिज्म की भावना डेवलप हुई, क्योंकि अगर ये तीनों फैक्टर्स फैसिलिटेट नहीं करते तो शायद हिमाचल प्रदेश में ये जो अपर हिमाचल लोअर हिमाचल का पंगा हम लोग सुनते रहते हैं, इवन दो विद द पैसेज ऑफ टाइम आज की अगर मैं बात करूँगा तो आज सिचुएशन काफ़ी बेटर है क्लियर, लेकिन अगेन राजनीति थोड़ी इन्वॉल्व रहती है तो ये चीज़ आई थिंक कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। और इवन आप लोग एक चीज़ देखोगे कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दो धड़े बने हुए थे, एक अपर हिमाचल वाले लोग यानी कि ओल्ड हिमाचल के अलग नेता थे और न्यू हिमाचल के डिफरेंट नेता थे, तो उनके बीच में भी बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं थे क्लियर। और अगर आप बीजेपी की बात करोगे, भारतीय जनता पार्टी की बात करोगे, तो क्योंकि बीजेपी की जो डोमिनेशन थी वो न्यू हिमाचल में यानी कि जो न्यू एरियाज थे वहाँ पे ज़्यादा थी, तो आप लोग देखोगे कि यही न्यू हिमाचल के अंदर भी जैसे एक कांगड़ा के शांता कुमार थे, जगदेव चंद थे, इनके बीच के भी जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो मोर और लेस जो ज़्यादा डोमिनेट करेगी सब रीजनलिज्म या जो पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म, उसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, पॉलिटिकल फैक्टर क्लियर। और आप लोग एक चीज़ देख लीजिए पूरे का पूरा कि अगर मैं ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल की बात करूँगा तो ओल्ड हिमाचल में आप लोगों को कांग्रेस पार्टी की डोमिनेशन देखने को मिलेगी, यानी कि जितनी भी सीटें हैं नॉर्मली ऐसा है कि 34 सीटें जो हैं वो आपकी अपर एरियाज़ में है और 34 सीट्स ही लोअर एरियाज़ में है ऑन एन एवरेज ठीक है। 34 सीट्स में किसकी बात कर रहा हूँ, MLA की सीट्स की बात कर रहा हूँ क्लियर। तो आप लोग एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करना कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको बहुत बार ऐसा रहता है कि अपर एरियाज़ में यानी कि ओल्ड हिमाचल में उसको मैक्सिमम सीट्स मिलती हैं, और उसी तरह से जो लोअर वाला हिमाचल है या न्यू हिमाचल है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है उसको काफ़ी सीट्स मिलती हैं। जैसे अगर मैं एक ओल्ड हिमाचल का डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो 2002 से ले कर 2012 तक लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 बार इलेक्शन हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको ऑन एन एवरेज मतलब कभी ज़्यादा मिली कभी कम मिली, ऑन एन एवरेज 34 में से 17 सीट्स मिली, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको सिर्फ 7 सीट्स मिली। तो इसका मतलब है कि बीजेपी जो है उसका ओल्ड हिमाचल में उतना ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड नहीं है। ये अलग बात है कि अभी जो 2017 के इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है उसको 24-25 के आसपास ओल्ड हिमाचल में सीट्स मिली थी, तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि जो डोमिनेंस थी या जो सब रीजनलिज्म की राजनीति की जाती थी जहाँ पे अपर एंड लोअर हिमाचल को डिवाइड किया जाता था वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को थोड़ा सा कम होती हुई देखने को मिल रही है। ये 2017 के इलेक्शंस इसका गवाह है, हो सकता है 2022 के जो इलेक्शंस हो वहाँ पे इस तरह का जो फैक्टर है वो फिर से रीसरफेस हो जाए, तो वहां पे हमारा जो आर्गुमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए कि सब रीजनलिज्म इंक्रीज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम या डिक्रीज हो रहा है, तो 2017 का इलेक्शन डिक्रीज का प्रतीक है और हो सकता है 2022 का जो है वो रिवर्स हो क्लियर। तो इस तरह से जो है वो हमें चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि जो ओल्ड एंड लोअर हिमाचल है इसके बीच में क्या डिविजन्स जो है वो हम लोगों को या क्या रीजन जो है जिसके कारण हमें डिविजन देखने को मिल रहे हैं ओल्ड हिमाचल एंड न्यू हिमाचल के बीच में क्लियर। और एक और छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ही, जो ओल्ड एरियाज के लोग थे ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे प्रिंस रूल किया करते थे, यानी कि जब प्रिंस यहाँ पे रूल किया करते थे तो प्रिंस जो हैं उन्होंने ना कोई राइट्स वगैरह जो हैं बेसिक राइट्स जो हैं वो ओल्ड हिमाचल के लोगों को दिए हुए थे, और उसके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स में बेगार की जो प्रथा थी यानी कि फोर्स्ड लेबर थी वो भी बहुत एक्सेसिव स्केल के ऊपर प्रैक्टिस की जाती थी, जहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को बिना पैसों के जो है बिना वेज के जो है उनसे काम करवाया जाता है क्लियर। तो ये वो वाले एरिया से जहाँ पे लोगों के पास बेसिक राइट्स नहीं थे, बेगार प्रथा जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो मूवमेंट चली फॉर बेसिक फंडामेंटल राइट्स या बेसिक लिबर्टी, उस मूवमेंट का नाम था प्रजामंडल मूवमेंट। तो हम लोगों को अगेन आइडिया होगा, लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने कि प्रजामंडल मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था प्रिंसेस को या राजाओं को समझाना कि लोगों को बेसिक राइट्स दे दो, बेगार की प्रथा को एबॉलिश कर दो, बहुत ज़्यादा रेंट या बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो लोगों के ऊपर मत लगाओ क्योंकि लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं। उनका मेन मकसद ये नहीं था कि राजाओं को जो है उनकी गद्दी से उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए, जो कि न्यू हिमाचल के लोगों का मेन मकसद था, क्योंकि ये जो कांगड़ा वाले एरिया थे या न्यू हिमाचल वाले एरिया थे ये डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में आया करते थे क्योंकि पंजाब का पार्ट हुआ करते थे, और ये डायरेक्टली जो है ये चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से उखाड़
सरकार के बाहर फेंक दिया जाए, तो न्यू हिमाचल के लोग जो थे वो डायरेक्टली फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, तो ये ज़्यादा अवेयर थे अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए और इनका जो मकसद था वो ज़्यादा क्लियर था एज कंपेयर टू ओल्ड हिमाचल। यही कारण है इवन दो वाई एस परमार जो हैं, डॉक्टर वाई एस परमार जो उनको बहुत बड़ा नेता माना जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर, नेशनल लेवल के ऊपर भी उनको काफ़ी एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन जिस तरह के जो लीडर्स थे वो हमें न्यू हिमाचल में देखने को मिलते थे जिनकी ज़्यादा से थी क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर ज़्यादा या डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जहाँ पे जो लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस था या किस तरह से राजनीति की जाएगी, किस तरह से स्ट्रगल किया जाएगा, किस तरह से आंदोलन किए जाएंगे, वो न्यू हिमाचल के लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस था और ओल्ड हिमाचल के लोगों का डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अब आप एक और चीज ध्यान रखिए, अब जो ओल्ड हिमाचल के लोग थे इन्होंने सबसे पहले 1952 के जब इलेक्शन हुए तब वोट डाला, लेकिन जो न्यू हिमाचल वाले लोग थे 1921 में जब ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास किया गया था, तो ओल्ड न्यू हिमाचल में 1921 में 1921 में ही वोटिंग डलनी शुरू हो गई थी। तो अब आप खुद सोचो कि न्यू हिमाचल यानी कि जो लोअर हिमाचल के लोग हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकली अवेयर थे उस स्पेसिफिक टाइम पे जब मर्जिंग हुई 1966 में हिमाचल ओल्ड एंड न्यू हिमाचल की, तो लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। यही कारण था यहाँ के जो पॉलिटिशियन थे वो ज़्यादा जो है वो एम्बिशियस थे क्योंकि उनको उन्होंने राजनीति को देखा था, वो इतने सालों से पहले ब्रिटिश के साथ डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन किया करते थे और उसके बाद भी पंजाब में भी उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि पंजाब में जो अकालियों की और कांग्रेस की जो जहाँ पे जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे वो ज़्यादा राजनीति में डोमिनेट किया करते थे एज़ कम्पेयर टू पहाड़ी लोगों के। क्लियर, क्योंकि पहाड़ियों की वैसे भी बहुत ज़्यादा से नहीं थी, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी, सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये भी कारण बना जिसके कारण न्यू हिमाचल जो है या जो लोअर एरियाज थे उन्होंने कहा पंजाब वालों ने कि हमने हिमाचल के अंदर मर्ज होना। क्लियर, तो अगर आप लोग थोड़ा सा एसेस करोगे तो आप लोग वैसे ही पालोगे कि पॉलिटिकली अवेयरनेस या पॉलिटिकल नेचर दोनों एरियाज में जो वो काफी हद तक डिफरेंट था, तो ये भी कारण था कि पॉलिटिकली बोथ एरियाज वर या बोथ एरियाज आर डिफरेंट। क्लियर, जिसके कारण जैसे कोई डिफरेंस होगा, जैसे कोई अब ये लोग से डिफरेंट है, इनमें डिफरेंट तरह का पॉलिटिकल अवेयरनेस है, न्यू हिमाचल वाले लोगों में डिफरेंट तरह का है, तो हमने देखा कि जैसे थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो ये अलग, ये एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ कॉमननेस या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो अलग अलग सब रीजन्स जो हैं वो हमें हमारे प्रदेश के अंदर डेवलप होते हुए देखने को मिले। कहानी समझ आ रहा है यहाँ पे? नहीं? क्लियर, तो सब रीजन्स दो हमारे बन चुके हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो सब रीजनलिज्म हुआ इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल थे या कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जो हमारे इस आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हिमाचल के अंदर सब रीजनलिज्म जो है वो डेवलप हुआ और उसका क्या खामियाजा हुआ, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसका एक, चलो पहले पॉलिटिकल डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल डिवीजन में बात किया जाए जो ओल्ड एरियाज हैं, जो ओल्ड हिमाचल है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, बिलासपुर है, मंडी है। क्लियर, यहाँ पे अगर आप लोग डोमिनेशन देखोगे हिस्टोरिकली तो कांग्रेस पार्टी की डोमिनेशन, और हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था वैसे भी इनिशियल स्टेजेस में मैक्सिमम टाइम तक जो डोमिनेट किया है वो कांग्रेस पार्टी ने ही हमारी हिमाचल प्रदेश की राजनीति को डोमिनेट किया है, जहाँ पे सीधी सीधी 1952 से लेके 1977 तक देखो, अब कांग्रेस के सीएम देखना कौन कौन है, 1952 से लेके 1977 तक कौन थे, वाई एस परमार कहाँ से हैं, सिरमौर यानी कि ओल्ड हिमाचल। उसके बाद 1977 से लेकर 1980 तक सीएम कौन बने, शांता कुमार, ठीक है, वो कहाँ से हैं तुम्हारे, कांगड़ा से, कांगड़ा कौन सा एरिया आ गया आपका, न्यू एरिया आ गया यानी कि न्यू हिमाचल वाला एरिया आ गया। उसके बाद जो है वो ठाकुर रामलाल हिमाचल प्रदेश के सीएम बने, कहाँ से हैं, शिमला से यानी कि ओल्ड एरियाज। उसके बाद कांग्रेस के ही वीरभद्र सिंह जो है वो सीएम बने, कहाँ से हैं, शिमला से यानी कि ओल्ड हिमाचल। उसके बाद जो है वो प्रेम कुमार धूमल जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के सीएम बने, कहाँ से हैं, हमीरपुर, कांगड़ा से निकला। क्लियर, यानी कि न्यू एरिया से बने। तो आप लोग देख लीजिए, अब जैसे जो है हमारे जयराम ठाकुर जी हैं वो नो डाउट इस टाइम पे जो है वो मंडी से हैं। क्लियर, तो अभी थोड़ा सा हमें वेरिएशन देखने को मिला बीजेपी में, लेकिन इन 6 CM में से 5 CM क्लियर कट बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही है। तो ओल्ड एरियाज में कांग्रेस के तो आज तक जितने भी सीएम हैं दे ऑल आर फ्रॉम ओल्ड एरियाज।
क्लियर। और इवन न्यू एरियाज वाले लोग या लोअर हिमाचल वाले जब इवन एक्नॉलेज या जब कोशिश भी करते हैं तब भी उनको बहुत बुरी तरह से सप्रेस कर दिया जाता है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैंने दी है, इसको आप लोगों ने पेपर के लिए याद नहीं रखना, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजनीति हमारे प्रदेश में किस तरह से चलती है। और उसी तरह से तुम बीजेपी में देख लो, बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो सारे नीचे से ही हैं, जो भी कंटेंडर हैं वो मैक्सिमम नीचे से ही हैं, चाहे धूमल फैमिली है या फिर उसके बाद शांता कुमार जी, चलो अब तो नहीं उतना पॉलिटिकली अवेयर है, मतलब पॉलिटिकली वो है, चाहे सतपाल सिंह सत्ती हैं, जितने भी तुम्हें बड़े पावरफुल नेता देखने को मिलेंगे वो मोर और लेस तुम्हें इन्हीं लोअर हिमाचल या जो नए एरियाज ऐड हुए थे उनमें से ही देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो पॉलिटिकल डिवीजन जो है वो हमें क्लियर कट देखने को मिलता है, यानी कि कोई ऐसा कहे कि हिमाचल में सब रीजनलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगी। ये अलग बात है विद द पैसेज ऑफ टाइम सब रीजनलिज्म की जो राजनीति है वो थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि हम लोग जो है वो अब ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वोट डाल रहे हैं। तो अब हमें ये नहीं फर्क पड़ता है कि लोअर का है या हिमाचल का है, अपर का है, हमें बस ये फर्क पड़ता है कि काम कौन करवा रहा है। लेकिन आप लोग एक चीज़ रियलाइज कर लीजिए कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी तो जो ओल्ड एरियाज थे वहाँ पे हमें ज़्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलती थी, और जब न्यू की बनती थी तो हमें लोअर हिमाचल में ज़्यादा डेवलपमेंट होती हुई देखने को मिलती थी, जग जाहिर था। लेकिन अभी जब 2017 में आपके नए सीएम बने, दैट इज जयराम ठाकुर, तो इन्होंने स्टेटमेंट दी, इन्होंने कहा कि अब ये जो क्षेत्र की या क्षेत्रवाद की राजनीति है इसके मैं बिल्कुल विपरीत हूँ, ये मैं नहीं करूँगा, मैं दोनों एरियाज के डेवलपमेंट करूँगा। क्लियर। अब वो सही है गलत है उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा ट्रांजिशन हुई है। इसका एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये भी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिया था कि कैसे 2017 इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी ने ओल्ड एरियाज में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सब रीजनलिज्म की राजनीति है वो हमें डिमिनिश होती हुई देखने को मिल रही है, थोड़ी सी कम होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन मैं कंप्लीटली ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ कि सब रीजनलिज्म हिमाचल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा तो नहीं है, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा जब हम देखो समझो इस चीज़ को, क्योंकि अब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिलिम्स में जो फैक्चुअल है जो भी है वो आप लोगों ने अपना देख लेना है, मेंस में अब आपने देखना है कि पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। तो पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म, समझ आ गया कैसे डेवलप हुई, क्या कंसेप्ट है, क्यों हुआ, समझ आया। फिर दूसरा आपने देखना है कि कैसे मैं अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू बताऊंगा कि हिमाचल के अंदर सब रीजनलिज्म था, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म है वो कम हो रही है, डिमिनिश हो रही है, तब भी आपके पास एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी 2017 के इलेक्शंस जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए। जयराम ठाकुर जी का एक और एक दो और कोट्स या एक दो और स्टेटमेंट जो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिनको आप यूज कर सकते हो। क्लियर। कहानी समझ आ रहा नहीं यार, डन। तो ये जो दो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं जहाँ पे हमें क्लियर कट डोमिनेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि 2002 से पहले तो वैसे भी बीजेपी को तुम उतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं मान सकते, उससे पहले 1998 में एक बार सरकार बना था, उससे पहले 1990 में बना था, उसके अलावा जितने भी टाइम रहा वहाँ पे कांग्रेस का ही डोमिनेशन रहा। एक बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट थी कि जो बताती थी कि शिमला में कांग्रेस पार्टी कितनी स्ट्रांग है, एक स्टेटमेंट हुआ करती थी, एक बड़ा फोकलोर था कि भाई 8 और 60, यानी कि अगर पूरा हिमाचल भी एक साइड हो जाएगा, पूरा हिमाचल भी एक साइड हो जाएगा, तब भी जो शिमला की, शिमला डिस्ट्रिक्ट की 8 MLA हैं या 8 सीट्स हैं, वो 8ों के 8ों सीटें जो हैं वो कांग्रेस को ही जाएंगी। उसका श्रेय चाहे तुम वीरभद्र सिंह को दो, चाहे वीरभद्र सिंह जी को दो, चाहे आप लोग ठाकुर रामलाल जी को दो। क्लियर। तो मतलब 8 और 60 का मतलब है कि 60 लोग अगर बीजेपी को वोट डाल भी देंगे या 60 सीटें बीजेपी जीत भी जाएगी, फिर भी 8 सीटें जो शिमला की हैं वो मिलेंगी किसको, कांग्रेस को। तो ये बताता है कि ओल्ड एरिया में, स्पेशली जो शिमला वाला एरिया है, उसमें कितनी स्ट्रांग पकड़ थी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो हर कोई शिमला में कम्युनिस्ट भी जीत रहे हैं, बीजेपी भी जीत रही है, अब तो डिफरेंट सिचुएशन हो चुकी है इस टाइम पे। लेकिन हाँ, ये पुरानी एक स्टेट लाइक फोकलो है, मतलब एक कहा करते थे लोग इस तरह से, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुआ करती थी। तो यहाँ तक कहानी समझ आया। क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज़ कैप पॉलिटिक्स। तो आप लोगों ने तो सुना होगा कि मैरून कैप और दूसरी ग्रीन कैप, जो ग्रीन पट्टे वाली कैप होती है। तो जो ग्रीन कलर की पट्टे वाली कैप थी वो वीरभद्र सिंह जी डाला करते थे। वैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हिमाचल में जो है वो राजनीति में जो टोपियों की राजनीतिकरण हुआ वो बहुत बाद में हुआ, यानी कि पहले से नहीं था, पहले से नहीं था राजनीति। हर एरिया के लोग अपनी अपनी टोपी डाला करते थे, कुल्लू की रंग बिरंगी टोपी है ना, कई जगह अलग अलग तरह की टोपी जो है वो हिमाचली हम लोग जो है वो डालते हैं। किन्नौरी में डिफरेंट मिलेगा, ठीक है, स्पीति में डिफरेंट मिलेगा, तो अलग अलग तरह से जो है वो हमारे यहाँ पे टोपियाँ डलती हैं।
लेकिन कभी भी उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुई थी। तो पॉलिटिसाइजेशन जो कैप पॉलिटिक्स की हुई, वैसे तो इसका श्रेय जो है वो मेजर विजय सिंह मनकोटिया को जाता है जो कांग्रेस पार्टी के ही थे, लेकिन जो प्राइम हम लोग एग्जाम्पल कोट करते हैं जहाँ पे जब हम अपोजिशन की बात करते हैं तो वो दो लोग हैं, एक प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो मैरून कैप डाला करते थे और दूसरे जो है वो वीरभद्र सिंह जो ग्रीन कैप डाला करते थे। तो ये धीरे धीरे जब धूमल और वीरभद्र सिंह एक दूसरे के डायरेक्टली कन्फर्ट करना शुरू किया तभी जो टोपियों की राजनीति है ये ज़्यादा प्रेवलेंट होनी शुरू हुई। इवन अगर आप लोगों ने शांता कुमार जी का देखा होगा तो वो भी एक तरह की टोपी डालते हैं जो कुल्लू टोपी है वो उसको डालते हैं, जहाँ पे दोनों का कलर जो है वो मिक्स है, क्लियर। तो टोपियों की राजनीति हमेशा हुआ करती थी या हुआ करती अभी भी शायद है, लेकिन अब थोड़ी सी जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो थोड़ा चेंज हो गया। इवन जैसे जयराम ठाकुर की भी स्टेटमेंट है कि जो टोपी है जो कैप है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, जो कैप है या टोपी है वो हिमाचल की है। तो बेटर यही है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अब मैं नाम तो नहीं लूँगा कि बहुत बार ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिशियन को अगर जैसे मान लो वो कांग्रेस का है अगर उसको मैरून टोपी दी गई तो उसने मना कर दिया पहनने से, उसी तरह से वाइस वर्सा भी हुआ कि बीजेपी का पॉलिटिशियन है ग्रीन टोपी पहनने से मना कर दिया, क्लियर। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही हैं, नहीं तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गई थी कि जब धूमल जी जाया करते थे तो उनके सपोर्टर जो है वो मैरून टोपी डालते थे, वीरभद्र जी के जो सपोर्टर थे वो मैरून टोपी डाला करते थे, क्लियर। लेकिन अभी टाइम के साथ साथ जो कैप पॉलिटिक्स है उसमें भी हमें काफ़ी डिप होता हुआ देखने को मिल रहा है। कैप पॉलिटिक्स कुछ नहीं स्पेसिफाई कर रही है, कैप पॉलिटिक्स जो है वो मेनली स्पेसिफाई कर रही है अपर एरियाज और लोअर एरियाज के बीच का जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसको। और अगर मैं ये कहूँ कि 1966 में पॉलिटिकल डिवीजन नहीं था, बहुत ज़्यादा सही स्टेटमेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम देखो प्रॉब्लम भी तो ये है ना कि कांग्रेस पार्टी ने डोमिनेट किया राइट फ्रॉम 1952 और चलो 1966 तक तो डोमिनेट किया, लेकिन उसके बाद जब प्लेन एरियाज वाले लोग आए यानी लोअर हिमाचल वाले लोग आए फिर भी सीएम जो है वो अपर एरियाज के ही बने, तो जिसके कारण क्या हुआ कि पैरेलल जो लीडरशिप थी वो लोअर हिमाचल में जो है वो खड़ी होनी शुरू होगी, जिसने अपर एरिया या लोअर एरियाज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी उसको जग जाहिर करना शुरू कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति को फेवर कर रहा था और वही पॉलिटिक्स के कारण जो वो बीजेपी ने न्यू एरियाज में डोमिनेट किया। बीजेपी के न्यू एरियाज में डोमिनेट करने का एक और फैक्टर भी था जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि आरएसएस या जो जनसंघ है उसका पहले से ही पकड़ थी कांगड़ा वाले एरियाज में, तो ऑब्वियसली बात है बीजेपी को उसका भी फायदा हुआ। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा फेवर किया अपर एरियाज को उसका भी शायद एक इंपैक्ट जो है वो या उसका भी फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लोअर एरियाज में उठाया। तो ये जो रीजन को हाईलाइट किया गया चाहे वो मैरून या ग्रीन टोपी को यूज किया गया, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक्यूज किया गया एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो एक ही एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने सब रीजनलिज्म को और पुश किया और ज़्यादा एग्रवेट किया और ज़्यादा जो है वो डेवलप किया। तो राजनीति जो है वो ज़्यादा इस टाइम पे वो है, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब बीजेपी भी कहीं से भी जीत रही है, कांग्रेस भी लोअर हिमाचल में जीत रही है, बीच में तो वो कांगड़ा की मैक्सिमम सीटें जीती थी लास्ट टू लास्ट टाइम, क्लियर। तो अब विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों एक दूसरे के जो है वो एरियाज में जा चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो क्योंकि पॉलिटिशियंस ने ही इस सब रीजनलिज्म को शुरू किया था, तो अगर अब पॉलिटिकल पार्टी अगर बीजेपी अपर में भी जीत रही है तो अब वो कभी भी एंटी अपर एरिया स्टेटमेंट नहीं देगी, और उसी तरह से कांग्रेस अगर लोअर में जीत रही है तो कांग्रेस भी ऐसा नहीं करेगी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रॉस करने शुरू कर दिया है एक दूसरे को एक दूसरे के रीजन्स में एरियाज में, तो सिंपल सी बात यही है कि ये शायद सब रीजनलिज्म को नेगेट कर देगा। तो ये हमारी एनालिसिस है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि इकोनॉमिक डिवीजन हमें कैसे देखने को मिलता है। अब देखिए अगर इकोनॉमिक डिवीजन की हम बात करें तो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहला है एग्रीकल्चरल रीजन, दूसरा है हॉर्टिकल्चर रीजन। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर रीजन का मतलब समझो क्या है। अब देखो वैसे तो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर का ही पार्ट माना जाता है, अब अगर मैं बात करूंगा न्यू एरियाज की यानी कि मैं लोअर हिमाचल की बात करूंगा तो वहाँ पे मेनली एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रैक्टिस की जाती है, वीट है ना, राइस है, चावल है, गेहूँ है, मतलब सॉरी चावल है गेहूँ है। जो हॉर्टिकल्चर है एरिया है वहाँ पे जो है वो आप सब लोगों को पता है एप्पल है, पोटैटो है, इस तरह की जो फसलें हैं उनको ज़्यादा ऑर्चर्ड्स फार्मिंग जो है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब एग्रीकल्चर रीजन में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एग्रीकल्चर रीजन में प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा फार्मर है लोअर हिमाचल का वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, वो मेनली पुअर फार्मर है। पुअर फार्मर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोअर एरिया में जो है वो लैंड होल्डिंग जो है वो कम है। लैंड होल्डिंग का मतलब कम का मतलब क्या है कि लोअर एरिया में जो वो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है हर एक इंसान के पास पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी,
और हमारे यहाँ पे 80-90% के आसपास, 85% के आसपास जो किसान हैं वो हमारे स्मॉल या मार्जिनल फार्मर हैं, यानी कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की, लेस देन 2 हेक्टेयर की ज़मीन है। अब जब किसी के पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है तो क्या कर लेगा वो, अपने सब पेट पाल पाएगा, क्लियर। और कल को अगर फसल ख़राब होगी, क्योंकि हिमाचल में अभी भी मैक्सिमम एग्रीकल्चर जो है वो बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इरीगेशन बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर कल को फसल ख़राब होगी तो क्या करेगा, क्लियर। तो यही कारण है कि जो एग्रीकल्चर रीजन है यहाँ पे, जो फार्मर है यहाँ का, जो किसान है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो खेती छोड़ के अब शहरों की तरफ रुख करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आप लोअर हिमाचल में एक ट्रेंड देखोगे कि वहाँ पे माइग्रेशन का स्केल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग जो है वो सब कुछ छोड़ के फार्मिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हिमाचल आज भी एग्रीरियन इकोनॉमी ही है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। हिमाचल, लोअर हिमाचल के बहुत सारे लोग जो है वो बाहर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो मेनली प्राइमरली एग्रीकल्चर है, उसमें स्कोप ही नहीं है। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर हम एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चरल रीजन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फार्मर है इसके पास लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, और उसके साथ साथ ये ज़्यादा तवज्जो दे रहा है कैश क्रॉप्स को, यानी कि उनको वो डायरेक्टली सेल कर रहा है, जिस कैश क्रॉप के कारण जो है वो यहाँ पे जो किसान का या यहाँ का जो फार्मर है उसकी कंडीशन, उसकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द फार्मर ऑफ लोअर हिमाचल। तो यहाँ पे भी हमें एक क्लियर कट डिवीजन जो है वो लोअर और अपर हिमाचल के बीच में, यानी कि इकोनॉमिक डिवीजन लोअर और अपर हिमाचल के बीच में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ का किसान जो है वो सरकार से बिल्कुल परेशान है, बिल्कुल खुश नहीं है, और यहाँ का किसान शायद सरकार से जो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा खुश है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए काफी तवज्जो दिया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो ये तो इकोनॉमिक फैक्टर आ गया जिसके कारण हमें लोअर और अपर हिमाचल में एक डिवीजन देखने को मिल रहा है। अब सवाल यहां पे आ रहा है कि सरकार ने फिर क्या किया इस एरिया को करने के लिए, या इस डिवीजन को, या इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए सरकारों ने कुछ किया या नहीं किया जिसके कारण ये जो डिवीजन है, क्योंकि देखो जितना डिफरेंस होगा उतना ही फीलिंग ऑफ सब रीजनलिज्म या हेट्रेड टुवर्ड अदर रीजन ज्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अब देखो हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि चलो अच्छा एक काम करते हैं कि कांगड़ा में भी हॉर्टिकल्चर में जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, संतरे वगैरह हैं, क्योंकि उनके लिए क्लाइमेट ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उनको, उनकी खेती जो है वो करवाना शुरू कर देंगे। तो सिट्रस फ्रूट्स क्या हो जाएगा आपका, कैश क्रॉप्स है, पहला फायदा ये किया। दूसरा किया कि अच्छा ठीक है यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे जो है वो फार्मर थोड़ा गरीब है, क्लियर, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो MSMEs को ओपन करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग एक चीज़ देखना, आप लोगों को कांगड़ा रीजन में बहुत ज़्यादा MSMEs जो है वो देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो MSME उतनी नहीं घुल सकती है अपर हिमाचल में, क्लियर, क्योंकि यहाँ का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो उतना ज़्यादा बेटर नहीं है जितना लोअर हिमाचल में। तो लोअर हिमाचल के जो एरियाज हैं वो ज़्यादा सूटेबल है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू द एरियाज ऑफ अपर हिमाचल। तो बेटर यही है कि अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर लो है तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा पुश करना शुरू कर दो, और सरकार ऐसा ही कर रही है। तो जिसके कारण यहाँ पे अब लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि लोग बाहर माइग्रेट ना करें, क्लियर। तो ये फैक्टर जो है, अब यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट हमने समझ लिए क्या, कि इकोनॉमिक डिवीजन भी है, रीज़न क्या है, और उसके साथ साथ उसी डिवीजन को कम करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, हमने उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया। कहानी समझ आ रहा है यहाँ पे धीरे धीरे, क्लियर। तीसरा देख लेते हैं, दैट इज सोशल डिवीजन। सबसे पहले मेन देख लेते हैं रिलीजियस डिफरेंसेस क्या हैं। अब देखिए रिलीजियस डिफरेंस में जो है वो वैसे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश में जो डोमिनेशन है वो हिंदुइज्म की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियस डिफरेंस देखने को मिलेगा इन बिटवीन अपर एंड लोअर हिमाचल। अगर मैं अपर हिमाचल की बात करूँगा, आई होप आप अपर और लोअर में कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। अपर का मतलब है जो शिमला वाले एरियाज हैं, यानी कि पहाड़ी इलाके हैं। लोअर का मतलब है जो कांगड़ा के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कांगड़ा के आसपास वाले इलाके हैं। अगर आप रिलीजियस डिफरेंसेस की बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो अपर एरियाज की मैं बात करूँ या मैं ओल्ड एरियाज की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म का, या मैं ऐसा कहूँ जो तिब्बतियन है, उनका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, क्लियर। तिब्बतियन रिलीजन का इम्पैक्ट जो है वो हमें किन्नौर वगैरह में जो है वो मेनली देखने को मिलता है, क्लियर, स्पीति वगैरह में जो है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर मैं लोअर एरियाज की बात करूँगा तो वहाँ पे तिब्बतियन इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ना भाषा पे ना रिलीजन वाइज, क्लियर, अनटिल जो मंगलोडवंज वाला एरिया है उसको हटा दिया जाए तो, क्लियर, क्योंकि वो तो एक सेग्रीगेट, उसका लोकल कम्युनिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बुद्धिज़्म या तिब्बतियन का जो इम्पैक्ट है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति में लोकल कम्युनिटी के ऊपर हमें देखने को मिलता है।
उसके साथ साथ दूसरा अगर हम देखें कि अपर एरिया में जो है वो मेनली हिंदुइज्म और बुद्धिज्म प्रिवलेंट रिलीजन है, और लोअर एरिया में जो है वो हिंदुइज्म एंड इस्लाम प्रिवलेंट रिलीजन है। नो डाउट इस्लाम की परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमें इस्लाम हिमाचल प्रदेश के लोअर एरियाज में देखने को मिलता है, जो अपर एरियाज में उतना ज़्यादा नहीं है। तो पहली बात, रिलीजन वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरी बात, कल्चरल वाइज भी डिफरेंस है। जिस तरह के फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, जिस तरह से देवी देवताओं को पूजा जाता है वो अपर एरियाज, या जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, जो नाटी का कल्चर है वो अपर एरियाज का अपना है, यूनिक है। वो अभी तक शायद एक्सटर्नल इंट्रूजन उतना नहीं हुआ है, यानी कि बाहरी इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है जितना हमें नीचे देखने को मिलता है। अब आप देख लो, एक शादी कंपेयर कर लो, अगर आप कांगड़ा की शादी या कहीं हमीरपुर की शादी, ऊना की शादी में जाओगे तो आप पंजाबी डांस या पंजाबी गानों पे नाचते हुए पाए जाओगे। अगर आप अपर एरियाज में जाओगे तब आप लोग नाट्य करते हुए पाए जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो कल्चर है, यूनिक कल्चर है, उसको अभी भी अपर एरियाज में हमें देखने को मिलता है, और जो लोअर एरियाज है वहाँ पर पंजाबी कल्चर ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला है। तीसरा है लिंग्विस्टिक डिफरेंस, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो अपर एरियाज हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं तिब्बतियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, लोअर एरियाज में जो है वो हमें पंजाबी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस जो हो देखने को मिलता है। इवन दो भाषा पहाड़ी ही है, लेकिन अगेन मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि जो पहाड़ी भाषा है, पहाड़ी लैंग्वेजेस हैं जो पहाड़ों में बोली जाती हैं, और हमारे यहाँ पे अपर और लोअर में इतना वेरिएशन है कि शायद मेरे को अपर की और शायद अपर को मेरी भाषा जो है वो समझ नहीं आएगी। क्लियर? वैसे मैं तो पूरे हिमाचल को ही मतलब अपना ही मानता हूँ, क्लियर, क्योंकि हमारा ही है सबका, चाहे अपर है लोअर है, लेकिन चलो निकल गया मेरे से, अब निकल गया तो मान लो। क्लियर? तो ये एक एग्जांपल्स हैं जिनके कारण हम लोग सोशल डिविजन्स जो हैं वो देख रहे हैं। और ध्यान रखना, जो अभी हमने देखा था कि जो रीजनलिज्म की भावना है उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो कल्चर ही होता है। तो कल्चर हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, नो डाउट, क्लियर, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन हमें कल्चर वाइज भी डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो फीलिंग ऑफ सब रीजनलिज्म है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये डेवलप होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये है सारे की सारी कहानी हमारी पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म के ऊपर। तो एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने आसान भाषा में। सबसे पहले हमने देखा कि कंसेप्ट ऑफ सब रीजनलिज्म है क्या। उसके बाद हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो सब रीजनलिज्म एग्जिस्ट करता है वो क्यों करता है। वो पॉलिटिकल लेवल के ऊपर देखा, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर देखा, सोशल लेवल के ऊपर देखा। फिर हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सब रीजनलिज्म है वो वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए भी एग्जांपल देखे, 2017 के इलेक्शन देखे, जहाँ पे बीजेपी ऊपर जा रही है, कांग्रेस नीचे आ रही है। क्लियर? उसके साथ साथ इकोनॉमिक फैक्टर भी हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको पुश किया जा रहा है एट दी लोअर इन लोअर हिमाचल, और उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर में सिट्रस फ्रूट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है लोअर हिमाचल। तीसरा, हमने सोशल एंगल में, सोशल डायमेंशन में अगर आप लोग देखोगे तो विद दी पैसेज ऑफ टाइम जब लिटरेसी आ रही है तो आप लोग देख लीजिए कि अपर एरिया के लोग, अपर एरिया के जो बच्चे हैं वो लोअर नीचे आके पढ़ रहे हैं, चाहे नीचे का मेरा मतलब है कि शिमला में पढ़ रहे हैं, या उसके साथ साथ जो है वो चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, या बाकी जगहों पर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो हमीरपुर में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कांगड़ा में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो क्या हो रहा है कि अभी लिटरेसी से एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो रही है, क्योंकि कॉलेजेस हमारे यहाँ पे एक या दूसरी जगह पे बने हुए हैं, तो वहाँ पे जब अलग अलग कल्चर के लोग या अलग अलग रीजन्स के लोग, कल्चर तो नहीं, अलग अलग रीजन्स के लोग आएंगे तो एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, और जब एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तो ये जो फीलिंग ऑफ सब रीजनलिज्म है वो शायद टाइम के साथ साथ कम होगी, और ये टाइम के साथ साथ कम हो भी रही है। तो हर एक लेवल के ऊपर हमारे पास दोनों के दोनों फैक्टर हैं कि क्यों सब रीजनलिज्म है, और क्यों कैसे सब रीजनलिज्म जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दैट इज डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो यार, इस टॉपिक को करना कैसे, प्रेशर ग्रुप्स का मतलब क्या है। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब यह रहता है कि जो सरकारों के ऊपर, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। अब प्रेशर किसकी चीज़ के लिए डाला जा सकता है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। अगर सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है तो यही लोग जो है वो ग्रुप्स में अपने आप को ऑर्गेनाइज करवा के सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। कैसे प्रेशर डाल सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सरकार ने कोई एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की जो उन लोगों के अगेंस्ट है उसके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सरकार से किसी चीज़ की बहुत स्ट्रांगली डिमांड कर सकते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं कि आंदोलन वगैरह जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर होते रहते हैं। क्लियर? या कभी कभी सरकार को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ है जो बच्चों के लिए काम कर रही है, वो सरकार को एडवाइस कर सकती है, या सरकार को प्रेशर में डाल सकती है, सरकार
कोई एक ऐसा डाटा रिलीज कर सकती है जो सरकार को अनकंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर डालते हैं। तो आसान भाषा में प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं, वो एसोसिएशंस हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं एक सेक्शन की डिमांड्स को मनवाने के लिए। समझ आई कहानी की नहीं आई? जैसे जो ट्रेडर्स लॉबी है, जैसे मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, किस टाइम पे जैसे कोविड चल रहा है, तो कोविड के जब केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने शुरू हुए थे, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे ट्रेड यूनियन या ट्रेडर यूनियन ऐसी थी जिन्होंने, या बहुत सारे बाजार के लोग या जो मार्केट के लोग थे, उन्होंने खुद यूनियंस ने डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि दुकानों को बंद कर दिया जाए। तो एक फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार को लॉकडाउन लगाने में जो थोड़ी सी आसानी हुई। जब पिछली बार कोविड लगा था तो काफ़ी जो ट्रेडर्स थे वो ये कह रहे थे, उन्होंने डिमांड की थी कि ओपन की जाएं दुकानें, क्योंकि उनको बिजनेस में नुकसान हो रहा था। तो वो एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे थे, क्लियर। उसी तरह से जो है वो जो एप्पल ऑर्चर्ड्स एसोसिएशन है या जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं उनके जो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी भी अपनी यूनियन है जो सरकार के ऊपर जो है वो टाइम टू टाइम प्रेशर बनाती रहती है, ताकि जो हित हैं, ताकि जो इंटरेस्ट हैं एप्पल ऑर्चर्ड फार्मर्स के, एप्पल फार्मर्स के, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो रह सके। उसी तरह से काफ़ी स्टूडेंट यूनियंस, उससे तो आप काफ़ी जग जाहिर होंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह लेवल से निकले होंगे, आप लोग देखते हो कि ABP है, SFI है, NSUI है, तो अलग अलग तरह की स्टूडेंट यूनियंस भी हमें देखने को मिलती है जो भी सरकार को टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट, या सरकार को एक प्रेशर में रखती है कि अगर गवर्नमेंट या जैसे एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है या एडमिनिस्ट्रेशन कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जो बच्चों के हितों में नहीं है, तो आप लोग देखते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर, बहुत लार्ज लेवल के ऊपर स्टूडेंट यूनियंस के द्वारा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। क्लियर? तो अगेन प्रेशर ग्रुप्स डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो सरकार को चेक भी रखते हैं, सरकार को थोड़ा ये भी रहता है कि अच्छा कोई सवाल पूछ सकता है, और उसके साथ साथ लोग, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए, उसका अधिकार है, उसका हक है कि उसकी आवाज़ सुनी जाए, तो प्रेशर ग्रुप उनकी आवाज़ों को सुनवाने में सहायता करते हैं, उनकी आवाज़ को सुनवाने में मदद करते हैं। तो यही कारण है प्रेशर ग्रुप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटी के रूप में हमारे देश के अंदर मौजूद है। प्रेशर ग्रुप्स कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव वो है जो सरकार के खिलाफ ये हथियार उठा लिया, जैसे मैं नक्सलवाड़ी की बात करूँ, या नक्सलवादी लोगों की बात करूँ, या मैं माउस की बात करूँ, तो वो है जिन्होंने सरकार को प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जो नेगेटिव प्रेशर ग्रुप है, जो वायलेंस को यूज़ करके सरकार को प्रेशराइज करवाना चाह रहा है, तो सरकार ने तो उनकी बात नहीं माननी है। और फॉर्चुनेटली हमारे प्रदेश में इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो यही कारण है हम लोग जिन जिन प्रेशर ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बिजनेस ग्रुप्स की बात की जाए, जिनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि बिजनेस ग्रुप कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बिज़नेस करना जो है वो थोड़ा सा आसान रहे। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे मेन जो बिज़नेस ग्रुप्स हैं, देखो यार ये एग्जांपल याद रख लेना, हिमाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा है हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग संघ। तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ हैं, अप्रॉक्सीमेटली 99% के आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर MSMEs, तो यही कारण है हिमाचल प्रदेश लघु उद्योग संघ जो है वो ज़्यादा पावरफुल बिजनेस ग्रुप के रूप में हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा आ गया दैट इज़ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियंस जो है जिसमें लाल झंडा यूनियन आ गई जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड है, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन आ गई। क्लियर? तो इनका सिंपल सा काम यही है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के जो बेसिक हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उनके लिए डिमांड करेगी। क्लियर? लाल झंडा यूनियन जो है वो आप लोग देखना, कभी भी किसी भी एसोसिएशन या किसी भी सरकारी संस्था में कोई प्रोटेस्ट करना हो तो वहाँ पे लाल झंडा यूनियन जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और उसके साथ साथ जो भी इंटरेस्ट हैं ट्रेड यूनियंस के, उनको जो है वो सरकार के सामने पेश करती है, सरकार से जो है वो काम करवाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट आ जाएगा जैसे प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे टीचर्स एसोसिएशन है। अब हिमाचल में जो गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन है बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी बार ऐसा रहता है कि सरकार जो है उनको इन एसोसिएशंस के प्रेशर में आके भी काम करना पड़ता है। उसी तरह से लाइब्रेरी एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन, एग्रीरियन ग्रुप्स की अगर हम बात करें, यानी कि एग्रीकल्चर, तो उनमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, दैट इज़ एप्पल ग्रोअर्स एसोसिएशन। ये इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो अभी जो 2017 में कांग्रेस की जो हालात थोड़े ख़राब हुए हैं अपर एरियाज़ में, उसमें इस एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो अगर एसोसिएशन की बात नहीं मानोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े होते हैं, तो कभी कभी पॉलिटिकली भी सरकारों को नुकसान हो जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस तरह का रिस्क नहीं लेती हैं। क्लियर? उसके बाद स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे NSUI आ गई जो कांग्रेस पार्टी से एफिलिएटेड है, SFI आ गई जो कम्युनिस्ट पार्टी से एफिलिएटेड है, ABP आ गई जो कि भारतीय जनता
जनता पार्टी से जो है वो एफिलिएटेड है, क्लियर, मेनली एबीपी से, एबीपी जो है भारतीय जनता पार्टी से एफिलिएटेड है। तो नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि ये भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करती हैं सरकार के ऊपर भी, और उसके साथ साथ जो कॉलेज या उनके जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर भी। कास्ट बेस्ड एसोसिएशन हैं, हिमाचल राजपूत सभा, जाट कल्याण परिषद, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण संघ, ब्राह्मण सभा, जो अपने अपने, जब भी आप लोग देखते हो कि किसी भी जाति के ऊपर कोई भी, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी कोई बॉलीवुड मूवी में किसी एक स्पेसिफिक कास्ट के ऊपर कोई रिमार्क कर दिया गया तो हिमाचल की जो राजपूत सभा है उसने भी उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो इस तरह का जो प्रेशर ग्रुप्स हैं जो सरकार के ऊपर भी, कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिससे एक स्पेसिफिक वर्ग के लोगों को कोई नुकसान हो, तो वहाँ पर जो है वो हमें कास्ट बेस्ड भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ पेंशनर्स हैं, चाहे वो एक सर्विसमैन हैं, उनका भी पेंशनर ग्रुप है, जितने भी हमारे यहाँ पे जो पेंशन में रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके अपनी अपनी एसोसिएशन हमें देखने को मिलती हैं, ताकि वो जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ में एनजीओज हैं, एनजीओज जो हैं वो शायद सबसे बड़े प्रेशर ग्रुप के रूप में इस टाइम पर काम कर रही हैं, जिसमें कुछ प्रेशर जो एनजीओज उनके नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिनमें अभिविदा है जो एजुकेशन वुमेन ओल्ड केयर जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे काम कर रही है, ऑल इंडिया सोशल अवेयरनेस है, हिंदुस्तान में भी काम हो रहा है, हिमाचल में भी हो रहा है, आशियाना है, यंग चिल्ड्रन और बच्चों के लिए जो डिसेबिलिटीज़ है, जो बच्चे या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए काम हो रहा है, आवाज़ है, ठीक है, मनरेगा एमजनरेगा के साथ जो ये काम कर रही है, क्लियर। तो ये अलग अलग एसोसिएशन जो हैं वो हम लोगों को, या अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट था प्रेशर ग्रुप्स का, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं कंक्लूड करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।